भाइयों, बारिश का मौसम आ चुका है। आज 7 जुलाई है। ये रोटावेटर वगैरह अंदर कर रहे हैं, बरसात में भीगने से बचा रहे हैं। आज ये जोड़ा है, इधर ये खड़ा है, इसको भी अंदर करेंगे। इधर ये महिंद्रा खड़ा है, इधर गाड़ी खड़ी है, और इन सबको हम अंदर सेट कर रहे हैं। सामान को दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ अंदर ये हमारा गोदाम है, जहाँ कृषि यंत्र, ट्रैक्टरों के सामान, कंटीमेटर, टीलर, गन्नों की ट्रोली भरने की सीढ़ी, ऊपर टांड पे आलू जब खुदते हैं, ये पल हैं बोरियों के, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये ढेर के ढेर ढकने पड़ते हैं। इधर धान बरसाने का नहीं, मेरे पे ना धान की रास करने का पंखा लगा दिया एक तरफ। ये लेजर है हमारा, ये सागौन की चौकट है, ऊपर गेट रखे हैं। तो भाइयों, ये नाज की टंकी भर दी गई, साल भर का कोटा कर लिया, और भी रह रहा है अभी। मना कबली चाबी। ये हमारी भैंस बैठी है, इसमें पंखा चल रहा है। ये उसकी कटिया है छोटी सी। इधर ब्लैक कलर की हमारी गाय है। अब बबलू रोटावेटर लेकर इधर आएगा। ये गन्ने की बंधाई करने का स्टूल है, इस पर खड़े होकर इक्की मेड़ लगाते हैं। ये हमारा मांझा है, बहुत ज़बरदस्त, ये काला तेल लगा के रखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हंस वालों का है, ये बहुत तकड़ा मांझा है जी, हंस का सामान जो है सबसे तकड़ा आता है मेरठ में। सारा सामान उलट पुलट पड़ा है, क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ा रहा है। अब गाड़ी अंदर करेंगे, बबलू चला रहा है इसे, क्योंकि यहाँ तो बरामदे में। अब की बार हमें जो ये सरिये चमक रहे हैं ऊपर, यहाँ लेंटर डलवाना है। ये सब जितना सामान है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे आगे लेंटर डलवाना है, ताकि ये हमारे ट्रैक्टर वैक्टर गाड़ी अंदर आ जाए करें। इधर कुट्टी मशीन है, ये भी छावे में आ जाएगी। अब यहाँ हमारी गाड़ी अकेली राह करेगी, इसे लेंटर डलवाने के बाद में सर्दियों में जुगाड़ सा हो जाएगा, तो फिर तभी इसकी लिपाई पुताई कराएंगे सारे मकान की। दोस्तों, ये मैसी आंस पूनिया, हेलो दोस्तों, ये जरा इधर बेटे स्कूल कब जाएगा? स्कूल के नाम से डरता है, हंसी मोटा हो गया जब से स्कूल की छुट्टी हुई। अब हंस कह रहा है दादू इसे मॉडिफाई छतरी करानी है, तो हम ये सोच रहे हैं, ये 5 साल से ट्रैक्टर हमारा नया पड़ा है, 750 या 800 घंटे ही चल पाया है, तो ये हमेशा रहेगा, और इसको मॉडिफाई कराएंगे एक बार। हंसी का सपना है हमारे का कि दादू इसकी छतरी वो लगवाना है फाइबर वाली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है अपने काम के लिए 20-30 सालों ज़रूरत नहीं हाथ लगाने की। यूँ ही हमने नई गाड़ी ली है, भले फाइनेंस हो जाए, हमें ब्याज देना पड़े, पर पुरानी चीज़ से हमें मज़ा सा नहीं आता, क्योंकि नई चीज़ का अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों, ये यहाँ तक आ जाएगी गाड़ी अब बरसात में। ये मेरा कमरा है, और ये इधर भी गेट है हमारा। सामने भी हमारा ही मकान है, और ये ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है, ये आम रास्ता है। अब सारे मकानों की बरसात के बाद में रिपेयर होगी, मरम्मत होगी। तो दोस्तों,
हमारा घर हमारा दिल खुली किताब है, हम आपको सबको अपना ही समझते हैं, इसलिए सब कुछ शेयर करते हैं, कोई बात आपसे छुपी नहीं है। बड़े किसान नहीं है, छोटे से हैं, मीडियम से। तो दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार। अब इसको रोटावेटर की धुलाई होगी क्योंकि ये बहुत सड़ रहा है, मिट्टी लग रही है, तब इसको अंदर करेंगे। तो ये है रुस्तमहीन जमा अंश चौधरी। जब से स्कूल बंद हुआ है पहलवानी शुरू कर दी अंश ने, और डोले सोड़े से पहलवानने वाले बन गए, वरना यो सूख का कंडील सा था। नमस्कार दोस्तों, ये एक बच्चिया हमारी औसर क्या बना है पहलवान। छोटी सी लाए थे हम, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं जंगल में छोड़ दूँगा, भाई तू जंगल में छोड़ डाला हमें दे दे इसे। बहुत प्यारी बच्चिया है, बस वो डॉक्टर साहब सींग नहीं लगवा पाए इसके। बहुत प्यारी है, बबलू की धुलाई चल रही है रोटावेटर की। ये सारा सड़ गया, मिट्टी चिपक रही है इसमें, और इसको काम नहीं बट गया, इसको अंदर कर देंगे क्योंकि बरसात में सारा सामान भीगता है, बड़ी दिक्कत आती है भाइयों। मैसी 245 और रोटावेटर आपको 2-3 महीने नहीं दिखाई देंगे। आप ये मत कहना ताऊ जी बेच दिया क्या, क्योंकि ये अंदर रहेगा जंगल का काम करने के लिए। तो वो खड़ा एक शेरा और एक ये बड़ा है रुस्तमहीन, दोनों काम आएंगे हमारे।